चंडीगढ़ में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस ने ये प्रदर्शन सेक्टर 35 स्थित कांग्रेस भवन से शुरू किया था, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला कर रहे थे। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय की ओर कूच किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के मद्देनजर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सेक्टर 34 में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ खूब धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने और वहीं पर धरने पर बैठ गए। दो दिन पहले जिस तरह किसान यूनियन की एक किसान नेत्री के साथ, यंग लड़की के साथ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने और उसके साथियों ने जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये कृत्य किया गया, उसके विरोध में आज हम चंडीगढ़ कांग्रेस वाले बीजेपी के कार्यालय में जाके उनको बताना चाहते थे कि आपके ये कृत्य जो हैं ये रावण वाले कृत्य हैं। राम वाली पार्टी नहीं हो आप, रावण वाली पार्टी बन चुके हो। देखिए, अगर हम शक्तिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो कांग्रेस के खिलाफ ये FIR करा देते हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 34 और 35 लाइट पॉइंट पर भी जाम लगा के रखा, जिसके कारण वहां पर आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।